हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फॉरएवर यूनिक से मैं आनंद कुमार आपका स्वागत करता हूं दोस्तों, और मिलवाना चाहूंगा आपको मधुर जी से जो कि लैब ग्रुपेंस से हैं। हेलो मधुर जी, कैसे हैं? अच्छे हैं, ओके। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे ताकतवर एम्पलीफायर के बारे में। तो आइए मधुर जी से जानते हैं लैब ग्रुपेंस के बारे में हम लोग। मधुर जी, जैसा कि ये लैब ग्रुपेंस का एम्पलीफायर है और इसका मॉडल नंबर जैसा मैं देख पा रहा हूँ ये एपी सीरीज है, ओके। ये कितने वॉट है? सर ये 7000 वॉट है। 7000 वॉट का एम्पलीफायर, ओके। इसका क्या प्राइस क्या होगा तकरीबन मार्केट में? सर ये करीब करीब 2.5 से 3 लाख रुपए का, मतलब 2.5 से 3 लाख के बीच में वेरी करेगा, ओके। तो एक छोटा सा सवाल है कि इंडिया में ज़्यादातर लोग महंगे एम्पलीफायर जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उस केस में अगर इसको ख़रीदना हो तो कारण क्या देना चाहेंगे आप कि किस तरीके से बेहतर है ये एम्पलीफायर? लैब ग्रुपेंस इस इंडस्ट्री का नहीं पूरे वर्ल्ड का एक बेंचमार्क है। इससे अच्छे एम्पलीफायर इस दुनिया में अवेलेबल ही नहीं है। सो दिस इज समथिंग बेस्ट विच यू कैन गेट इन द वर्ल्ड। सो अगर हम बात करें लैब ग्रुपेंस की, तो जितने आपके बड़े आर्टिस्ट होते हैं, हाँ, चाहे वो पिंक फ्लॉयड, डेविड गेटा वगैरह, सब जो है लैब ग्रुपेंस के ऊपर अपनी टूरिंग साउंड करते थे, ओके। सो दिस इज़ अ लेजेंडरी ब्रांड इन एम्पलीफायर्स, और इसकी जो मार्केटिंग है सब कुछ है, दीज आर यूज बाय टॉप प्रोफेशनल्स, ओके। तो इससे अच्छा एम्प इस दुनिया में अभी तक नहीं है। जितने भी आते हैं सब इसके नीचे आते हैं। तो लैब ग्रुपेंस, ये तो मैंने काफ़ी पहले इसके एम्पलीफायर यूज़ किए हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा अभी जो है इसमें सप्लाई क्या यूज़ होती है, ट्रांसफार्मर बेस्ड है या SMD? नहीं, ये ट्रांसफार्मर बेस्ड नहीं है सर, ये लैब ग्रुपेंस की अपनी टेक्नोलॉजी रहती है। अपनी टेक्नोलॉजी है, तो इसकी जो कीमत है सर वो टेक्नोलॉजी की है बिल्कुल। इसका जो डैम्पिंग फैक्टर है, इसका जो थ्रेशहोल्ड है, सब कुछ एक नेक्स्ट लेवल है, जो आसपास भी नहीं है बाकी एम्पलीफायर्स का, ओके। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूँ कि अगर आपको अपने काम में नेक्स्ट लेवल में जाना हो, अगली जनरेशन का एम्पलीफायर अगर हम कहना चाहें, सब कुछ चला लेने के बाद जब आप पहुंचेंगे तो फाइनली आपको लैब ग्रुपेंस ही पसंद आएगा। आइए इस एम्पलीफायर का हम लोग बैक व्यू भी देखते हैं कि ये एम्पलीफायर दिखता कैसा है। तो काफ़ी अच्छी जानकारी हमको मधुर जी से मिली, बैक व्यू भी मैं मधुर जी के साथ ही देखना चाहूँगा। जैसा कि हम लोग पीछे से देख पा रहे हैं, पावर कॉर्ड नॉर्मली हर एम्पलीफायर में होता है। सबसे अच्छी बात आपको बता दूं कि अगर आप इसको नेटवर्क से कंट्रोल करना चाहें तो ये एम्पलीफायर नेटवर्क से कंट्रोल होता है, ओके। तो ये एक नेक्स्ट लेवल की बात है। ये चैनल्स के आउटपुट आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर चैनल ए और चैनल बी दोनों के लिए इनपुट दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस एम्पलीफायर का पीछे का व्यू देख रहे हैं। कुल मिलाकर मैं कहूँ तो बहुत ही सटीक एम्पलीफायर है और सारा कुछ आई थिंक नेटवर्क से ही कंट्रोल ये होता है। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, और मधुर जी को भी धन्यवाद दूंगा एक बार फिर से। Thank you.